रुको, कस्तूरी रुको, मेरी बात सुनो। कस्तूरी कुंवर, जहां है वहीं रुक जा। एक कदम भी आगे बढ़ाओ तो जान से जाओगे। कस्तूरी को पीछे छोड़ दे, ब्रिक तृष्णा है बा, जितना पीछे करेगा उतनी दूर जाएगी। जिस शहर से आया उसी शहर को लौट जा। जा भंवर, मैं यहाँ लौटने के लिए नहीं आया हूँ। जिद मत करो कुंवर साहब, आए अपने पैरों से है, कहीं दोस्तों के कंधों पे नहीं जाना पड़े। भंवर, जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम एक कलाकार हो, और कलाकार तो हमेशा जान देते हैं, किसी की जान लेते नहीं। डजन से उठियो। ए इंग्लिश में बटर बटर मत कर। भंवर सिंह को माता फिर गए हो ना, जान से जाओगे तुम। जा यहाँ से जा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे यहाँ से जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मैं कुंवर साहब, छोड़ यश को, वरना ये गोली आर पार कर डालूंगा। ये गोली की धौंस किसी और को दिखाना। तेरी गोली चलने से पहले भंवर सिंह का कुल्हाड़ा तुम तीनों को काट डालेगा। अरे भंवर, अरे पावलों को के रुक जा। मैं गोली चला रहा हूँ भंवर। तेरी गोली चलने से पहले भंवर सिंह काट डालेगा सबको। कोई गोली नहीं चलाएगा। बिल्कुल चुप, बात हो रहा। क्यों? अरे देख, पागल हो रहे हो, मारन खातिर उठे तो ना, संभाल लेना, पागल हो गया। भंवर, क्या हो गया तने? भंवर, हाथों में खुलाड़ी, चेहरे पे इतना गुस्सा, क्या हो गया? मैं जानू हूँ भंवर, तू कभी गलत ना हुए, मैं थारे दिल की बात समझू हूँ। तू तो मारा बचपन और साथी है ना। हाँ, तेरे को मेरे से ज्यादा और कौन जाने हैं। हाँ, तू तो माने जाने क्या गलत किया मैंने। तू कोई खरीदबारी चीज है, तारो मोल लगावे, वो कहवे कि तू सिर्फ उसके लिए नाचेगी। बचपन से आज तक भंवर ढोल बजावे और कस्तूरी उस पे नाचे। जब भी मैं आंखा बंद करके ढोल पे थाप लगाऊं, मुझे कस्तूरी थिरकती हुई नजर आवे। जब से होश संभाला है, हम एक दूसरे की परछाई बनते जी। गली गली, गांव गांव, शहर शहर साथ नाचे हैं, गाए हैं। और वो सालों कुंवर मोल लगावे थारा, मोल लगावे। दूसरी बात, अगर उसने ये बात कही ना तो मैं काट डालूंगा उसने। बस भंवर बस, शांत हो जा। गुस्सा करना ठीक नहीं है। गुस्सा आदमी ने जानवर बना दे रहे हैं। हम क्या सिखायोगे भंवर कि मेहमान भगवान समान हुए हैं। कुंवर हमारो मेहमान है और उसके साथ ऐसे पेश आना ठीक नहीं है। अब जब भी तारे को गुस्सा आवे ना तो मेरी अखियों में देख लेना, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। चल देख मेरी अखियों में। कस्तूरी, तुमने क्या सोचा मैं चला गया था? अरे अरे अरे, मुझे ढूंढ रही थी और मुझे से भाग रही हो। मैं कहाँ भाग रही हूँ? सच सच। चलो मान लिया कि तुम सच कह रही हो, मेरा भी एक सच है। कस्तूरी, मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारी सुंदर आंखों में आंसू आए, तुम्हारा दिल दुखाया। छाने में मुझसे भूल हुई, लेकिन मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारी कीमत कैसे लगा सकता हूँ कस्तूरी? तुम तो अनमोल हो, जानते नहीं हो तुम क्या हो। तुमने मुझे कस्तूरी का मतलब कहा था ना, बिल्कुल ठीक कहा था। क्योंकि तुम बिल्कुल उस हिरन की तरह हो जिसे अपनी कस्तूरी के बारे में खुद ही एहसास हो। अपने आप को पहचानो कस्तूरी। तुम्हारे पास जो कला है तुम्हें तो उसे दूर दूर तक फैलाना है। तुम्हें तो आसमान को छूना है कस्तूरी, आसमान को। मैं जानता हूं तुम भी सपनों की दुनिया में रहती हो, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हारी आंखों में मैंने उन सपनों को तैरते हुए देखा है कस्तूरी। तुम जानती हो जब दो सपने देखने वाले साथ मिल जाएं तो उन सपनों को वो हकीकत में बदल देते हैं। मेरा साथ दोगे ना कस्तूरी? नहीं। क्या? पहले आप मेरी बात सुनो। आपने हमसे माफी मांगी और हमने माफ कर भी दी, लेकिन हमने तो आपसे माफी मांगी नहीं। तुम क्यों माफी मांग रही हो? आप तो हमारे मेहमान हैं और भंवर सिंह ने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया, उसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए ना हमें। नहीं नहीं। अरे भाई, ऐसे कैसे माफ कर दे? पहले मेरा हाथ मिलाओ, बी माय फ्रेंड, दोस्त। तुझसे दोस्ती करोगी? ऐसे नहीं, मेरी तरफ घूम कर नजरें उठा कर लो, नजर लगा। चल गया कि प्यार क्या चीज है, रुसवाइयाँ तन्हाइयाँ इस प्यार की रीत है। कैसे हुआ कब हो गया हमने ये जाना नहीं, जाना भी तो इस प्यार को हमने पहचाना नहीं। क्या हमको मिला और क्या खो गया, सोचा ही हमने नहीं। यही तो प्यार है। कितना मजा आता है ना, एक सब साथ मिलकर जब काम करते हैं तो। अरे साथ मिलके काम करने का मजा ही कुछ और है भाई। अरे हमारे जमाने की बात करूं जब ऐसा कोई काम निकलता था तो पूरे रिश्तेदार इकट्ठे होते थे। अरे मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठा होती थी। अरे मेरी सहेलियां भी आती थी और सबके घर का काम एक दिन में खत्म कर देते थे हम लोग। लेकिन भाई अभी इन दिनों इस नए जमाने में किसी के पास टाइम ही कहाँ जो इकट्ठा होके काम करें। अरे दादी माँ, हम सब मिलके काम कर रहे हैं ना, 50 नहीं तो 5 तो है। सही कहा तूने बहू। अरे दुश्मन, ये इसमें देख तेल है कि नहीं। दादी खट्टा खा रही है। अरे कुछ ऐसी वैसी बात हो तो मुझे भी बता दे, हैं? खुशखबरी है क्या? अरे घर में ढोल लगा रहे बजवा दूं। दादी ऐसी कुछ बात नहीं है। क्या बात है? किस बात की इतनी हंसी आ रही है? जरा मैं भी तो जानूं। अरे गायत्री बेटी, ये तो निशा बहू खट्टा खा रही थी तो मैंने सोचा कि कोई खुशखबरी हो तो घर में ढोल नगारे पिटवा दे, इसलिए सब हंस रहे थे। अच्छा, निशा भाभी की खुशखबरी सुनने के लिए तो हम सबको इंतजार है, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। अरे आप लोग ये सब अचार वचार क्यों बना रहे हो? सच आप लोगों के पास है ना बहुत फालतू का टाइम है, तभी ये सब काम करने के लिए तो नौकर हैं, उन्हें तनख्वाह किस बात की हम देते हैं, हाँ? और सच मानो तो आप लोगों को तो है ना वो टीवी का शो देखना चाहिए था। अरे इतना अच्छा ज्वेलरी का शो था कि मैं क्या बताऊं। सच दादी माँ। बुआ जी, ज्वेलरी आपकी किस काम की, आप तो पहन ही नहीं सकती। हाँ, ऐसे बात नहीं करते। ए छोटी, ऐसे बात नहीं करते। बड़ों से इस तरह से जबान लड़ाते हैं क्या, हैं? सॉरी कहो, चलो। सॉरी। हाँ, आइंदा ऐसी गलती ना हो। आजा बेटी, आजा, तू मेरे पास आके बैठ। आ ऐसी छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानते और ऐसी नोकझोंक से ही तो घर में प्यार बढ़ता है, हाँ? पर तुझे तो सबके साथ हिल मिलकर रहना है। बताओ तुम लोग, जिंदगी वैसे भी है क्या? एक उससे भी तो है। और कहो, हम हमारे हिंदुस्तान में इतने त्योहार इतने उत्सव क्यों मनाते हैं भाई? बोलो। अरे हम हिंदुस्तानी लोग छोटी मोटी खुशियां पाने के लिए बस कोई बहाना ढूंढते हैं और मनाते हैं उत्सव, मनाते हैं त्योहार। लेकिन मैं कहूँ कि हमारे घर में कई दिनों से कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। हमारे घर में भी ढोल नगारे बजने चाहिए, शहनाइयाँ बजनी चाहिए, रिश्तेदार आने चाहिए। मैं समझी नहीं माँ। अरे मेरी पगली, मैं तो ये मुक्ता की बात कर रही हूँ। अरे उसके भी तो हाथ पीले करने हैं, है? शादी तो करनी है, तो इसकी भी शादी करा देते हैं। चलो इस बहाने मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिल जाएगा। ऐसे तो वैसे कपड़े मैं पहन ही नहीं सकती ना। अरे तू भी नए कपड़े पहनेगी और हम सब साथ मिलकर यूं 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 नाचेंगे। फिर शर्मा रही है मुक्ता रानी, तो जैसे आज ही दुल्हन बन गई। देखो कैसे कर रही है, जैसे किसी दूल्हे को देख लिया हो। अरे देख, अरे पगली, कोई लड़का ढूंढ क्या? क्या दादी माँ आप भी? अरे देखना, क्या मुक्ता के लिए लड़कों की कोई कमी है क्या? हम तो सिर्फ यश का इंतजार कर रहे थे। अरे हेलो दादी माँ, यश 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 का फोन है। अरे यश का फोन है, जल्दी फोन है मुझे। भैया की शादी की बात चल रही है, आप जल्दी आइए। दादी को फोन दे, दादी माँ को फोन दे जल्दी। हाँ देती हूँ। हाँ बेटे, क्या दादी माँ आप मुक्ता की शादी कर रहे हैं? अरे बेटे, मुक्ता के लिए भी हम लोग अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं। अरे बता दे मुझे, तेरी दादी को तेरे लिए भी कुछ ढूंढूं, है कोई लड़की अच्छी सी? लड़की नहीं दादी माँ, वैसे हाँ मेरी उम्र तो हो गई है लड़की देखने की, लेकिन अभी पहले मुक्ता की दादी माँ। जल्दी मुक्ता को दीजिए दादी माँ। मैं देखती हूँ तेरी दीदी को, ले बात कर। यश भैया। ए मुक्ता, getting married, my little sister's getting married. ऐसी कोई बात नहीं है भैया, बस वो तो तीन लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। अच्छा सुन सुन, तेरा मूड तो है ना शादी करने का? भैया आप भी अभी बस कीजिए। ओके ग्रेट। अच्छा सुन मुक्ता, जब तक मैं वहाँ ना आऊँ लड़के को कोई भी फाइनल नहीं करेगा, ओके? अच्छा सुन, अरे यहाँ पे वैसे मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, ए बड़ा सा बड़ी मूछों वाला, and you know how he commutes? Sits on a camel. भैया आप भी, एक तो ये लोग परेशान कर रहे हैं, अब आप भी शुरू हो गए। अरे बड़े भाई होने का कोई राइट तो होता है। अच्छा दे दादी को फोन दे। हाँ जी। हेलो दादी माँ, लड़का अच्छा है ना? ठीक है, और तेरे लिए लड़की ढूंढूं क्या? चलो दादी माँ, आपकी पसंद मेरी पसंद। अरे बेटे, तुझे देखने को तो आंखें तरस रही है। I miss you too दादी माँ। जल्दी आजा। अच्छा दादी माँ मैं चलता हूँ, सबको मेरा बहुत सारा प्यार, and I miss you and I love you। रखती हूँ। Bye bye। हाँ, जय श्री कृष्ण। I love my family। अरे क्या हो गया तेरे को, ये बोझ आज बहुत ज़्यादा लगने लग गया क्या? क्या हो गया आज? हाँ? ये बार-बार क्यों रोक रहा है? अरे मालूम तो है कि बाजार का दिन है, सामान ले जाना है। अब ये सामान क्या मैं ले जाऊँगा? रोड आज ही लगानी थी तेरे को, हाँ? कल नहीं लगा सकता था, जखम लगा के आ गया। चल भाई चल, मैं उठाऊंगा बस, थोड़ा मैं उठाऊं, थोड़ा तो उठा। भंवर, what happened? In trouble? लो, अंग्रेज तो चला गया, इन्हें छोड़ गया। अरे भंवर सिंह, तुम्हारा ऊँट तो जख्मी हो गया। लाओ ये सामान गाड़ी में रख दो, मैं तुम्हें कबीला तक छोड़ूंगा। अरे रहने दो साहब, रहने दो। बाबर सिंह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लोग मरते मर जाएंगे, लेकिन पकड़ नहीं छोड़ेंगे। देखो भाई, सामान गाड़ी में रख दो, चलो। अरे रहने दो ना साहब जी, रहने दो। मेरी बात इधर उधर हो जाएंगे। हाँ अरे मेरी बात सुनो। हाँ भंवर सिंह, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत कर रहे हो, लेकिन मुझसे नफरत करने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है ना? और इस सामान को कबीले तक पहुँचाते पहुँचाते तुम्हारा तो काम हो जाएगा। मुझसे नफरत कैसे करोगे? You know what is good for you and get it to the cheap. Come on guys. Come on man, get in on this. हाँ? कल नहीं जख्मी हो सकता। इसको क्या हो गया? नहीं हो गया? अरे यार, अरे साहब जी रहने दो रहने दो। अब इसको क्या हुआ? साहब जी, भंवर सिंह की मर्जी ना हो ना तो ये मोटर भी नहीं चले। चले थे मेरी मदद करने, अपनी खुद की मदद कर लो। लाओ उतारा सामान। अब इनकी मदद करने कौन आएगा? गाइस तुम ये गाड़ी ठीक करवाओ, मैं भंवर के साथ पहुंचता हूँ। अरे रहने दो साहब जी रहने दो, भंवर सिंह का सामान उठाने के लिए कंधे मजबूत चाहिए, शहरियों का काम नहीं है। चलो भंवर सिंह, आज ये भी देख लेते हैं इसके कंधे कितने मजबूत और कितने नाजुक हैं। जो बात है हाँ आज ही उठाना था। Ranjit Panchi, get the car fixed and bring it to the Kabila Bay. Nice. Chal, hold. Hold up. Chal. अब चल धीरे धीरे. Bye. अरे आओ साथी आओ. अरे आ रहा हूँ. चलो. चलो चलो. चलो अब धीरे धीरे. अरे जल्दी चलो भंवर. क्या हुआ तुम्हारे कंधों के ताकत का? अरे साहब जी, ये आपके कंधों के जो बोझ उठाया ना, मुझे तो साथ साथ मेरे ऊंट को भी ले जाना है. हाँ, थक गए अभी से. आज मौसम बहुत अच्छा है ना? अभी तो सिर्फ दोपहर के 12 बजे है साहब जी. कबीला भी बस आ ही गया ना? 4 किलोमीटर और दूर है. भंवर सिंह, लगता है तुम थक गए हो. अरे मैं कहाँ थक गया हूँ? मैं देखो देखो तुम्हारा गुस्सा कह रहा है कि तुम थक गए हो. थकना नहीं है. चलो 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 जल्दी पहुंचना है. चलो चलो बाबर सिंह कभी हंसता नहीं है. अरे तुम थक गए होगे. अरे मैं नहीं थका, ये तो आप थक गए. मैं तो इसलिए रुक गया कि कहीं आप मर न जाओ. अगर मर गए तो कोई उठाने वाला तो चाहिए ना. ओके बाबा, यू विन आई लूज. क्या बोले अरे भाई तुम जीते मैं हारा. थोड़ा दे दे सहारा. You in a bad. Ah, better, huh? Nice. ये अंग्रेजी हमने भी है. हम तो अपने ऐसी पीते हैं. ये. तुम अंग्रेजी नहीं पीते, मैं देसी तो पी सकता हूँ.